गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हमने पहले वीडियो में जो है कत और पतवतु प्रत्यय के प्रयोग को देखा। अब इस पाठ के अंतर्गत चाणक्य चंद्रगुप्त चाणक और चंद्रगुप्त की एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन है कि चाणक और चंद्रगुप्त की कैसी दोस्ती हुई, वह कैसे गुरु शिष्य बने, उसका वर्णन इस पाठ में दिया गया। पाठ के अंदर रंगीन शब्दों में जो रेड रंग से या कलरफुल जो शब्द है वो कत और पतवतु प्रत्यय का प्रयोग है, तो उसको भी आप पाठ के आधार पर पहचान सकेंगे कौन सा कत प्रत्यय है कौन सा पतवतु प्रत्यय है। अब हम पाठ को पढ़ेंगे, उसके अनुवाद को जानेंगे। तो विद्यार्थी, तक्षशिलायां एकः ब्राह्मणः आसीत्। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था, तस्य नाम चाणक्य कौटिल्य आसीत्। उसका नाम चाणक्य और कौटिल्य था। सः कृष्णवर्णः, सः कृष्णवर्णः वह काले रंग का, कृष्ण शरीर दुबले शरीर वाला, सर खलवाटः खलवाटः गंजा, सिर सरसी दीर्घ सिना सर पर लंबी छोटी, स्थौलोष्ठ स्थौलोष्ठ मोटे होठ वाला, अत्यंत कुरूप परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिम अस्तु, कि वह काला शरीर वाला, दुबला पतला, गंजा सिर वाला, सिर पे लंबी चोटी वाला, मोटे ऊंट वाला, अत्यंत कुरूप था परंतु बुद्धि कौशल में अप्रतिम था, अद्भुत था। एकदा मगध देश नंद, एकदा मगध देश निपह नंद, तम अपमानित कृत्वा सभा या बही निष्कासित वाना। एक बार मगध देश के राजा नंद ने उसे अपमानित करके सभा के बाहर निकाल दिया या निकाल दिया गया। एतेन अपमाने, इस अपमान से वह क्रुद्ध हुत्वा वह क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा अकरोत, प्रतिज्ञा की, यावत अहम नंद वंश न नाश्यामि, जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं करूंगा, तावत शिखा न भस्यामि, तब तक अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। इसकी चोटी देखिए यहाँ पर है। एतद् निश्चयम्, यह निश्चय करके कृत्वा स बालकः योग युक्तम् अन्विष्टुम् गृहात् निर्गतः, यह निश्चय करके वह एक योग बालक को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया या चला गया। दूसरे पैराग्राफ, एकदा मार्गे राजा प्रजा इति क्रीडन्तं बालकं विच्छ स तथेव स्थितवान, एक बार रास्ते में राजा प्रजा खेलते हुए बालक को देखकर विच्छन देखकर सह वह तथेव स्थितवान वहीं ठहर गया। एका बालकः नृपः आसीत्, एक बालक राजा था, अन्य च मंत्री प्रजाजनः आसन् और अन्य मंत्री और प्रजाजन थे। बालकस्य सम्मुखे द्वे महिले आतिष्ठवान, बालक के सम्मुख दो महिलाएं आई। एकस्या अंके एक शिशु आसीत्, एक की गोद में एक बच्चा था। अंके गोद में, एक की गोद में एक बच्चा था। सह निपात अकथयत, उसने राजा से कहा, एषः मम शिशुः अस्ति, यह मेरा बच्चा है। अन्य अवदत, दूसरी ने कहा, एषः मम शिशुः, यह मेरा बच्चा है। विवाद विवाद माने द्वे निपः अवदत, झगड़े दोनों को झगड़ते हुए राजा ने कहा या बोला, अलम कोलाहले, विवाद या हल्ला मत करो, अलम विवादे झगड़ा मत करो, अलम कर्तुता नहीं।
अहम अधुना न्यायं करिष्यामि, मैं अभी न्याय करूंगा। स सैनिकम् आदिष्टवान्, उसने सैनिक को आदेश दिया। शिशो द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच, शिशु को दो दो टुकड़े करके आधा आधा दोनों को दो। तथेव एका महिला नृपस्य चरणों पतित्या अवदत, तभी एक महिला राजा के चरणों में पतित्वा गिर करके बोली, महाराज हे महाराज एवं मां करो, ऐसा मत करो। शिशु मां मार्य, बच्चे को मत मारो। शिशु तस्येव एव महिला व्यक्षति, बच्चे को उसी महिला को दे दो। बालक नृपः अवदत, बालक राजा ने कहा, सैव शिशु माता अस्ति, वही बालक की माता है। चाणक्य एतद् सर्वम् अपश्यत्, बालकस्य च न्यायं दृष्ट्वा स्तब्धः जातः, बालक यह सब देखकर और बालक के न्याय को देखकर स्तब्ध हो जाता या हो गया। चाणक्य बालकस्य मातु अनुमत्या तब तक्षशिला आनयत, चाणक्य बालक की माता से अनुमति ले करके उसे तक्षशिला ले गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा को अधिगत्य प्राप्त करके सह बालक, वह बालक कुशल योद्धा राजनैतिज्ञ अवध मने हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके वह बालक कुशल योद्धा और राजनैतिज्ञ हुआ। तीसरा पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ में वह चाणक्य की सहायता से नंदक नाष्टवाना, नंद का नाश किया। मगध देशस्य नृपश्च अभवत, और मगध देश का राजा हुआ। स चंद्रगुप्त मौर्य इति नाम प्रसिद्ध जाता, वह चंद्रगुप्त मौर्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य च तस मंत्री अभवत, चाणक्य उसका महामंत्री हुआ था। चाणक्य स्वकीयानुभवेन चिंतयेन स राजनीतिम आश्रित अर्थशास्त्रम नामके ग्रंथः लिखितः, चाणक्य अपने अनुभव से और चिंता करके सोच करके राजनीति पर आश्रित अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी। अधुना अपि आज भी अयम ग्रंथः, यह ग्रंथ विभिन्न स्तरों पर पाठ पुस्तक रूपेण पठे, पाठ पुस्तक के रूप में पढ़ी जाती है। तो आज भी यह ग्रंथ विभिन्न स्तरों पर पाठ पुस्तक के रूप में पढ़ी जाती है। तो विद्यार्थी, इसमें आपने देखा कि कैसे चाणक्य जो है एक बालक को सम्राट बनाता है अपनी बुद्धि कौशल के आधार पर। इस पाठ में आपने कर और कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग देखा। पाठ से संबंधित जो एक्सरसाइज है आपको अभ्यास कार्य के रूप में दी जाएगी। धन्यवाद।